हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थार नगरी बाढ़ में जिले सन 2011-12 में जालिपा लिग्नाइट परियोजना के तहत हमारे कपूरदी गांव में तेली समाज की 150 वर्ष से काबिज पुस्तैनी 3000 बीघा जमीन को RSMM व राज्य सरकार की साझेदारी में अवाप्त की थी। उस जमीन पर हमारे समाज का एक कब्रिस्तान भी है जो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नंबर 205 है, रक्या 9 बीघा 13 विस्वा है। कब्रिस्तान की जमीन व्यक्तिगत रूप से समाज के लोगों द्वारा अपनी निजी जमीन में से छोड़ी गई है और ये जमीन हमारे समाज के लोगों की जमीन के बीचों बीच स्थित है, जिसमें हमारे समाज के कई लोगों की कब्रें हैं। इस जमीन पर चारों तरफ लोहे की कंटीली तारबंदी की है। हमको हमारी निजी जमीन का मुआवजा तो मिल गया, पर आज तक कब्रिस्तान की जमीन का ना मुआवजा मिला ना ही उसके बदले जमीन मिली। अवैध की सहमति शर्तों में RSMM के अधिकारी व उस वक्त कांग्रेस सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा हमारे कब्रिस्तान की जमीन के बदले में शहर के नजदीक जमीन देने का आश्वासन दिया था। समाज के लोगों द्वारा सहमति देने के बाद कपूरदी गांव छोड़कर शहर के आसपास में बस गए, लेकिन हमारी मूल जरूरत कब्रिस्तान की जमीन की समस्या का आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। तेली समाज तब से आज तक मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान पर निर्भर है। कपूरी कब्रिस्तान की जमीन के बदले दूसरी जमीन देने के मामले में जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से कई बार हमारे समाज के प्रतिनिधि मिले, पर आश्वासन देकर गुमराह करते आ रहे हैं। तेली समाज एक शांति प्रिय समाज होने के नाते ना कोई प्रदर्शन, ना धरना, ना हंगामा या हड़ताल, किसी भी प्रकार की रैली नहीं की, क्योंकि तेली समाज एक मजदूर व पिछड़ा अमनो शांति प्रिय समाज है, सिर्फ सरकार एवं जिला प्रशासन के भरोसे बैठा है। अनुसार 913 बीघा अवाप्त की अत्यंत हमारी गुस्तैनी सरकारी रिकॉर्ड के कई कब्रिस्तान की जमीन के बदले में शहर के नजदीक 10 बीघा जमीन कब्रिस्तान के वास्ते देने की मांग रखी। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।